हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवशीष अवस्थी। जैसे कि हमने नया इनिशिएटिव में हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने की बात कही है, वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो मैं आपके सामने आज इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 1 लेके आया हूँ। याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था कि हम किस तरह इंडियन ज्योग्राफी को मूव ऑन करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आपको जब भी मेरा लेक्चर देखना है इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें आपको मैप दैट इज एटलस लेके जरूर बैठना है। ये मैंने आपको सिलेबस में बताया भी था, तो आई थिंक आज आप लेक्चर में एटलस लेके जरूर आए होंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला था वो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा मैं इंडिया के बारे में, जो बहुत फैक्चुअल पॉइंट है बट आपको याद होने चाहिए। स्टेट पीसीएस में या कभी भी यूपीएससी में स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं आज, दैट इज लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं। आई थिंक आपके सामने इंडिया का मैप ओपन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया की जब भी लोकेशन की बात करते हैं तो हम इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं। अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको बहुत बेसिक बता देता हूं। जैसे कि अर्थ होती है, उस पे इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर से जो पैरेलल लाइंस होती है इनको अपन लैटिट्यूड कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइंस होती है, याद रखिए, उनको अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो याद रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको लैटिट्यूड कह रहे हैं और जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड। अभी आप बेसिक इतना याद रखिएगा, वैसे हमने फिजिकल ज्योग्राफी में बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया का अगर मेन लैंड की अगर मैं लोकेशन पूछूं तो कितनी है, 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेके 37 degree 6 minute नॉर्थ। कहने का मतलब, ध्यान रखिएगा, मैंने ये मेन लैंड की बात की है, मतलब ये तमिलनाडु से बात की है मैंने, जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहां पर अगर मैं लिख सकता हूं 8 degree 4 minute नॉर्थ और यहां पर लिख सकता हूं 37 degree 6 minute नॉर्थ। ध्यान रखिएगा, ये इक्वेटर के अबव है। ठीक है, इंडिया इक्वेटर के अबव लाई करता है। ठीक है, और अगर मैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं, ठीक है, तो अभी मैंने बताया था वर्टिकल लाइंस कुछ, तो अगर मैं इधर से बात करूं तो इट इज, ध्यान रखिएगा, 68 degree 7 minute ईस्ट से लेकर 97 degree 25 minute ईस्ट तक है। तो इनको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये क्या है, अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो मैंने लिखा भी यहां पर, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो हो गया अपना, ठीक है, इसमें एक खास पॉइंट ये है, ये तो मैंने मेनलैंड का आपको एक्सटेंट बताया, इंडिया के मेनलैंड का, बट आपको पता हो अंडमान निकोबार जो है वो भी इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर यहां से मैं बात करूं कि इंडिया की लैटिट्यूडल एक्सटेंट कितनी है, तो आंसर वुड बी 6 degree 4 minute। याद रखिएगा, तो मेनलैंड की 8 degree 4 minute है, बट अगर ओवरऑल इंडिया की टोटल मैं बात करूं, मेनलैंड की नहीं इंडिया की बात करूं, तो 6 degree 4 minute से होगा 37 degree 6 minute नॉर्थ। तो इसको आपको नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये अपन ने बना ही लिए हैं लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट, तो उसके हिसाब से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, तो इट्स जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता होगा उसमें कौन सा पॉइंट है। याद रखिएगा, इंदा कोल जो है जम्मू एंड कश्मीर में, इट्स अ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो अब दो पॉइंट आ जाएंगे, एक 30 ये जो अपन लिखा था 8 degree 4 minute वाला और दूसरा लिखा था 6 degree 4 minute वाला। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिएगा, ये मैं 6 degree 4 minute की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दैट एकदम जो लास्ट में है वो है अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार में भी निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट जो है, याद रखिएगा, इज अ सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, बट अगर मैं पूछूं मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आंसर वुड बी कन्याकुमारी, दैट इज एट तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इस पॉइंट को अपन कहते हैं केप कॉमोरिन। याद रखिएगा, केप कॉमोरिन, तो आपको ये याद रखना है, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, नॉर्थ साउथ देख लिया। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट भी देख लेते हैं। तो ईस्टर्न पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, तो इसको कहते हैं किबीतू, याद रखिएगा किबीतू, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वहां पर कौन सा पॉइंट, किबीतू। और अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो आंसर वुड बी गुजरात, और गुजरात में कौन सा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्ट ऑफ गौरमोता। याद रखिए, वेस्ट ऑफ गौरमोता इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इसको जरूर नोट डाउन करिए आप। ठीक है, एग्जाम में आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर इंडिया की अगर अपन ने बात की, ठीक है, तो अगर पूछूं इंडिया का किलोमीटर्स में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ दैट इज लेंथ कितना है, और ईस्ट टू वेस्ट मतलब विड्थ कितना है इंडिया का किलोमीटर्स में, तो इसको भी याद करिए। ईस्ट टू वेस्ट की बात करूं, मतलब विड्थ की बात करूं, तो इट इज 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, दैट इज ईस्टर्न से वेस्टर्न पॉइंट को मैं जोड़ता हूं तो कितना आता है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, जबकि नॉर्थ टू साउथ दैट इज लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज 3214 किलोमीटर। तो यहां रखिए, स्टेटमेंट्स कभी बन सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट इंडिया का ज्यादा है ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट से, तो यस इट इज ट्रू, इसलिए मैंने देयरफॉर सॉल्यूशन में भी ये पॉइंट लिखा है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स बनते हैं।
फैक्चुअल में भी नहीं आया लेकिन स्टेटमेंट ऐसे बनाया जा सकता है, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट ज्यादा है इंडिया का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स इंडिया के बारे में देखते हैं। देखिए पहला फैक्ट, इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर बात करूं तो मैं, ठीक है, तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के टर्म्स में। और अगर मैं पूछूं इंडिया वर्ल्ड में अगर 100% लैंड सर्फेस है, ठीक है, 100% जो लैंड है उसका 2.4% जो टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो है, सॉरी लैंड नहीं बोलो, पूरे अर्थ का अगर मैं 100% एरिया लूं तो 2.4% क्या आता है, इंडिया लाइक आता है। इसलिए मैंने कहा 2.5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड इज इंडिया, ठीक है। तो रखिए इंडिया का 2.4% क्या है, पूरे वर्ल्ड का इंडिया कंटेन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर एक अगला फैक्ट पॉइंट लिखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कही है, डायरेक्टली प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलरेडी हम अपने फिजिकल ज्योग्राफी में बता चुके हैं, बट याद रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ को अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होता है और इंडिया को एकदम मिडिल से पास होता है, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है। और ये 8 स्टेट से पास होता है, इट पासेस फ्रॉम 8 स्टेट्स, और वो 8 स्टेट्स हैं कौन कौन से याद रखिएगा, आप एटलस में देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो याद रखिएगा इन 8 स्टेट से दैट इज टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो स्टेटमेंट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में हमने आपको टाइम निकालना बताया था, ठीक है, कि किस तरह हम टाइम जोन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम IST से कहते हैं, वो किस, ध्यान रखिएगा अपन जो टाइम निकालते हैं वो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग निकालते हैं, किसके अकॉर्डिंग, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया में कौन से लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम टाइम निकालते हैं उसको हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज IST, दैट इज 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, याद रखिएगा 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोग इसे भूल जाते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर मैं IST की बात करूं तो ये भी इंडिया के एकदम मिडिल में वो करता है, ध्यान रखिए किसमें फाइट करता है, मिडिल में, इट फॉल्स इन द मिडिल ऑफ द कंट्री, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये IST जो है 5 स्टेट से पास होता है इंडिया में, जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से था, ये कितने स्टेट से पास होता है, 5 स्टेट से। वो 5 स्टेट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, MP, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, इनको जरूर नोट डाउन करिए, लोग तेलंगाना भी मार्क कर देते हैं आंसर, बट तेलंगाना नहीं है, ठीक है। और IST की बात करूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, ठीक है, तो आपको बताओ हम अपना टाइम जोन किससे कंपेयर करते हैं, GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जो फिजिकल ज्योग्राफी हमने किया है, जो मैंने ग्रीन यहां पे लिखा भी, GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, एक तरीके से इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी आप कह सकते हो, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम बात करें कि इंडिया का टाइम क्या है IST, तो याद रखिएगा इस GMT में जितना भी टाइम हुआ होगा उसमें अगर 5 आवर्स 30 मिनट्स आप ऐड कर देते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है, ठीक है। और ये हमने आपको टाइम जोन ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडिया का भी अपन ने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा था, याद होगा आपको मैंने बताया 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, आपको याद होगा ये, तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब 30 डिग्री जो है वो आगे है ईस्टर्न वाला पॉइंट, मतलब जो फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप बनाऊं तो ध्यान रखिएगा ये अपन ने 68 डिग्री लिखा था, है ना, और ये अराउंड 97 कुछ लिखा था, अप्रॉक्सीमेटली कितने 30 डिग्री का प्लस है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर मैंने लिखा भी बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच, इज अ डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। और टाइम जोन में मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, याद रखिए 1 डिग्री में हाउ मच मिनट्स 4 मिनट्स, तो 1 डिग्री में 4 मिनट है तो बताइए 30 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, इट वुड बी 120 मिनट, मतलब 2 घंटे, ठीक है, इसमें लिखा दैट इज 2 आवर्स, ठीक है। अब क्या होता है, अपन को पता है सन कहां से आता है, आपको पता है दैट इज ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसलिए सबसे पहले जो सन है ईस्टर्न साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है, सनराइज होना, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया में अगर बात करूं तो बताइए ईस्टर्न साइड क्या होगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न साइड क्या होगी, फॉर एग्जांपल गुजरात। तो सबसे पहले सनराइज क्या होगा, ईस्टर्न या वेस्टर्न में, सन तो ईस्टर्न साइड से आता है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सन आएगा। अब कितने पहले आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो याद रखिएगा 2 घंटे पहले, इसलिए मैंने लिखा 2 आवर्स, तो यहां पर सनराइज जो होगा वो 2 आवर्स पहले होगा कंपेयर टू व्हाट, गुजरात, ठीक है। तो 2 घंटे का डिफरेंस है। अब अगर अपन इस IST को फॉलो नहीं करते तो कितना डिफिकल्ट होता, यहां पे कोई और टाइम चल रहा है इंडिया, यहां पे कोई और टाइम चल रहा है, इसलिए हमने एक टाइम फॉलो किया, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो पूरी इंडिया फॉलो करेगी, ठीक है। चाहे फिजिकली यहां पर जल्दी सनराइज हो रहा है, स्टिल दे विल फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यही मैंने लिखा है, डिफरेंस अबाउट 2 आवर्स बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री,
कंट्री, और ये खास पॉइंट ये है कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ है वहां पर सनराइज क्या होता है, अर्ली होता है 2 आवर्स, ठीक है, तो याद रखिएगा, देन वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्टर्न साइड में सनराइज अर्ली क्यों होता है 2 घंटे पहले, तो याद रखिएगा 30 डिग्री का डिफरेंस है और सनराइज ईस्ट टू वेस्ट पे होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक बेसिक इंडिया की मैपिंग टाइप का, कि अपन को पता हो इंडिया के बेसिक लोकेशंस और बेसिक लॉजिक समझ में आए अपन को, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इंडिया की कोस्ट लाइन की। अब इंडिया का मैप देख रहे होंगे तो सामने आपको एक बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा, जैसे इंडिया का अगर आप मैप देख रहे होंगे तो इधर साइड आपको अरेबियन सी दिख रही होगी, इधर आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा, मतलब इंडिया ओशन से भी घिरा हुआ है। तो अगर पूछा जाए इंडिया का ओशन टोटल कितना है, ठीक है, मतलब ओशन की कोस्ट लाइन कितनी है, तो याद रखिए इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं स्टेट्स की अगर बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर ऑफ मेनलैंड, मतलब ये जो मेनलैंड वाला पार्ट है ना, ये स्टेट्स यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट्स या यूटी कुछ भी कह लीजिए आप, यहाँ पर जो मेनलैंड का आता है वो 6100 किलोमीटर है। अब लेकिन आइलैंड्स भी हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, ऐसे करके आइलैंड्स भी हैं, तो उनका भी ऐड करें, वो भी तो ओशन में आते हैं, उनका है करीबन 1197 ऑफ आइलैंड्स कोस्ट लाइन, तो दोनों को ऐड करें तो 7516 आता है। तो अगर सिर्फ मेनलैंड का पूछे तो आंसर 6100 किलोमीटर होगा, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। और कितने स्टेट्स और यूटीज को टच करते हैं, ये कोस्टल लाइन किसको टच करते हैं, कह रहे कि इंडिया में 13 स्टेट्स एंड यूटी, मतलब 9 स्टेट्स को अपनी कोस्टल बाउंड्री है और 4 यूटीज भी कोस्टल एरियाज को टच करती है। अब ये 9 स्टेट्स और 4 यूटीज हैं कौन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी एक बार यूपीएससी पूछ चुका, हाउ मेनी स्टेट्स टचेस द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो याद रखें आंसर वुड बी 9 स्टेट्स। तो है गुजरात, आपने सुना भी हो, सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन भी किस स्टेट की है, गुजरात की ही है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, तो आपको याद रखना है 9 स्टेट्स, ठीक है। आप एटलस में देख भी रहे होंगे कि 9 स्टेट्स वाटर को टच कर रहे हैं, ठीक है। और 4 यूटीज जो टच कर रही हैं वो है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार। लोग यहाँ दादर नागर हवेली को भी मान लेते हैं कि वो कोस्टल को टच करती है, वो नहीं टच करती है, प्लीज गेट टू नो, दादर नागर हवेली नहीं टच करती है किसको, कोस्टल एरियाज को, ठीक है। चलिए अब अगर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन की बात करूं, ठीक है, ये स्टेट्स टच तो करते हैं, यूटीज भी टच करती है, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किस स्टेट का है, तो याद रखिएगा आंसर वुड बी गुजरात, ठीक है। सेकंड इज आंध्र प्रदेश, थर्ड इज तमिलनाडु, तो आपको याद रखना फर्स्ट स्टेट कौन सा है, दैट इज गुजरात, ठीक है, सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन, ठीक है। आगे हम बेसिक में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं मैरिटाइम बाउंड्रीज, या आप शायद इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पढ़ते होंगे तो बहुत न्यूज में दिखता होगा मैरिटाइम बाउंड्रीज, ठीक है। तो इसके बारे में बता दूं, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ए लिखा है मैंने टेरिटोरियल वाटर, बी लिखा है मैंने कॉन्टिगस जोन, और थर्ड लिखा है मैंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज ईईजेड, ठीक है। अभी बहुत बेसिक सेंस में बता रहा हूं ये तीनों में डिफरेंस क्या है, इसको अपन आगे डेल्ट करेंगे, पूरा मैं बताऊंगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है, किसका कंट्रोल वगैरह है, आई लेट यू नो, बट स्टिल ये लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहां डायग्राम से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। देखिए ये लेट अस सपोज वाटर है, ठीक है, यहां पर लेट अस सपोज ये लैंड है और यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, पानी यहां तक आ रहा है, कहां तक, ओशन का पानी कहां तक, ए पॉइंट तक, तो ए पॉइंट को मैंने नाम दिया, आप देख सकते हैं टेरिटोरियल सी बेसलाइन, मतलब ये बेसलाइन है जहां तक ओशन वाटर आता है, ठीक है। वहां से लेके याद रखिए 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है अराउंड 22 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 22.2 किलोमीटर, एग्जैक्ट बताऊं मैं आपको तो 22 किलोमीटर, इस एरिया को हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, मैं लिखा ए टू बी व्हाट इज इट, इज टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। तो ये ए पॉइंट क्या है, इट्स अ बेसलाइन जहां तक वाटर आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस बेसलाइन से और 12 नॉटिकल माइल ऐड कर ली, मतलब टोटल कितने हो गए 24 नॉटिकल पॉइंट, मतलब ए टू सी पॉइंट की बात करूं तो ए टू सी इज नोन एज कॉन्टिगुअस जोन, याद रखिएगा दैट इज 24 नॉटिकल माइल्स। एग्जैक्टली अगर बोलूं कितने किलोमीटर का होता है, याद रखिएगा 44.4 किलोमीटर, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं अप्रोक्सीमेटली 44 किलोमीटर तक का क्या है कॉन्टिगुअस जोन। अब इसमें होता क्या है, आई लेट यू नो माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं ये ध्यान रखिए बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, फॉर एग्जांपल डी पॉइंट जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज ईईजेड, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बेसिक जो है मेडिटेरियन बॉर्डर अभी स्टार्ट ही किया है, जिसमें बेसिक मैंने आपको बता दिया, अभी और भी अपन को बेसिक कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने अबाउट इंडिया, इंडिया की लोकेशन, इंडिया किस कंट्रीज को टच करता है, ये सब अपन को देखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, देखिए आप कमेंट जरूर करते रहे बिकॉज यू हैव स्टार्टेड विद ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज, आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर इस लेक्चर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, बिकॉज नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 2 थिंग्स, दैट इज गोइंग टू बी द यूपीएससी मेंस आल्सो एज वेल एज द नेक्स्ट यूपीएससी 2020 टारगेट, सो बी रेडी एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।